ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिन्हें हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को एक ऐसी बात से सावधान रहने को कहा है जो हमें एकदम धरातल पर ले आती है, और बाबा हमेशा कहते हैं उस चीज़ से बच कर के रहना चाहिए। खुद तो बचो ही और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो सबसे बड़ी दुश्मन योगी जीवन की बन जाती है। और एक बार अगर उसका टेस्ट डेवलप हो जाए तो उसके बिना व्यक्ति को लगेगा जैसे भोजन ही हजम नहीं हुआ। आइए बाबा के उन महावाक्यों पर हम अब मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हम अभी ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे और सुख धाम में आएंगे। अभी हम इस पुरानी दुनिया से जा रहे हैं और नई दुनिया में आना है, लेकिन उसके पहले अपने घर भी जाना है। दुनिया में किसी भी आत्मा को, चाहे वो वैज्ञानिक है या विद्वान है, कोई भी है, ये पता नहीं है इस नाटक में आगे क्या होने वाला है। वो तो यही समझ रहे हैं कि नाटक चलता आया है, चलता रहेगा। तो बाबा कहते कि मैं त्रिकालदर्शी परमात्मा, तुम्हारा परम पिता, तुमको आकर के ये भविष्यवाणी करता हूँ, अर्थात भविष्य के बारे में बताता हूँ। अब ये नाटक पूरा हो चुका है और अब आगे इसको चलना ही नहीं है। तो कितनी बड़ी ये बात है कि हमें पता हो कि ये दुनिया आगे चलनी ही नहीं है, ये तो फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जानी, पूर्ण इसका परिवर्तन हो जाना। तो बाबा कहते हैं ये तुमको बहुत बड़े आथत देता है, होप देता है, और एक बहुत बड़ी विचार देता है कि जिस दुनिया ने चलना नहीं उसमें आगे उसमें काम करने का क्या फ़ायदा। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको ये केवल ये पता है, और साथ साथ ये भी खुशी है कि इस दुनिया के बाद जो आगे दुनिया आने वाली है वो सुख की दुनिया है, और सुख की दुनिया में आने से पहले हम मुक्ति धाम में जाते हैं, अपने घर में जाते हैं। नाटक पूरा होने के बाद हर एक्टर अपने घर में जाता है, और फिर नया नाटक शुरू होने के समय पर नई नाटक की जो वस्त्र होते हैं वो पहन के आता है। तो बाबा कहते हैं कलयुग तो गया, अब तुमको सतयुग में आना है, तो सतयुगी संस्कार रूपी वस्त्र तुमको धारण करने हैं, और क्योंकि वो अच्छे हैं, सुखदायी हैं, तो तुमको खुशी ऑटोमेटिकली होगी। इस स्मृति में रहना। प्रश्न जो पूछा गया, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? बाबा के शब्दों में, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए उसका मित्र नहीं बनो। हां जी करके ग्लानी की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से आगे बढ़ते रहेंगे। हमें याद आता है जब हम बहनें सेवा केंद्र पर आती हैं, क्लासेस वगैरह करती हैं, और दादियों की हमें धारणाएं क्लासेस मिलती हैं, तो गुलजार दादी बताया करते थे कि यदि किसी ने कोई ग्लानी की बात की, आपने उसमें कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर सिर भी हिलाया ना तो आपकी साझेदारी बन जाती है। आप चुप भी रहें, कहा जाता है, कहावत है, खामोशी नीम रजा, साइलेंस इज हाफ कंसेंट। अगर कोई व्यक्ति कोई व्यर्थ बात कर रहा है या कोई इस प्रकार की निंदा की बात कर रहा है, ग्लानी की कर रहा है, और हम उसको चुपचाप सुन लेते हैं,
तो भी समझिए कि हम उसकी बात को पुष्टि करते हैं और वो उसके अंदर और हिम्मत आती है। तो जैसे पहले बाबा ने कहा हेडलाइन में कि तुम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि गिरने का खतरा है। जो गिराने वाली बातें, बहुत नाजुक रास्ता है। मान लीजिए एक बिल्कुल नाजुक पगडंडी से आप किसी पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं, दोनों तरफ इधर या उधर खतरा है गिरने का, तो आप कितने कॉन्शियस रहते हैं, ध्यान रखते हैं, संभल संभल कर पाँव रखते हैं। इसी प्रकार से अब हम ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम साधारण मनुष्य से देवलोक की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अगर गिर जाएं या फिसल जाएं तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहता है कि मन जो है या बुद्धि जो उस रास्ते पर जा रही है उसको व्यर्थ में लगाना, उसको शैतानी की बातें सुनना या शैतानी की बातें करने वाले को ना रोकना, बाबा कहते उस पर भी तरस करके ना केवल खुद उसको ना सुनो, उसको समझाओ कि ये तुम्हारे भी पतन का कारण है और दूसरों को भी पतन की ओर ले जा रहे हो, इसलिए वो सावधानी भी उसको देनी है। आज गीत चल, ये जो बाबा ने कहा ज्ञान का सुरमा, हाँ, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र। सुरमा तो एक कहने की बात है कि सुरमे से आई साइड कहते हैं तेज होती है। पहले वक्त में अच्छे सुरमे आते थे, आजकल तो लोग ड्रॉप्स वगैरह डालते, तो सुरमे से आई साइड बेटर रहती थी। तो बाबा कहता है इसी प्रकार से ज्ञान का सुरमा, कोई स्थूल सुरमे की बात नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर ज्ञान का सुरमा डालना, अर्थात ज्ञान अंजन कहा जाता ना, तो ज्ञान अंजन सतगुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, तो वो आत्मा उसमें अटेंटिव रहेगी, जागृत रहेगी, तीसरी आंख उसकी खुली रहेगी, तो फिर इस प्रकार की बातों को समझ जाएगी किसमें मेरा कल्याण है किसमें नहीं कल्याण है। सुरमा डाल के चलते रहने से व्यर्थ की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। गीत बजा है आज इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चे कितने समझदार हो, तुम जानते हो कि अभी ये पाप की दुनिया है और पुण्य की दुनिया आने वाली है। लोग समझते हैं कि वहाँ पे सदा सुख और दुख इकट्ठा ही चलता चला आया है, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया है ऐसा नहीं। जब दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है, और जब पतित हैं तो दुख है, पावन है तो सुख है। अब गीत गाने वाले दुख को देखकर, दुनिया के पाप कर्मों को देखकर उनको घृणा आ रही है, वैराग आ रहा है, और वो पुकार रहे हैं, परमात्मा को ही पुकार रहे हैं कि हमें इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। बाबा कहते हैं ये तो कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअली ये समझ नहीं है कि पुण्य की दुनिया कब होती है। पाप की दुनिया तो कह रहे हैं, लेकिन पुण्य की कोई दुनिया होती है जिसमें हम जा सकते हैं, ये ज्ञान उनको नहीं है। वो ये भी समझते हैं पाप की दुनिया है, फिर वो ये भी समझते हैं कि नहीं, यहाँ भी पुण्य करने वाले लोग हैं, कोई दान कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, वो समझेंगे ये तो पुण्य कर रहे हैं ना, बाकी लोग पाप कर रहे हैं। तो पाप की पूरी दुनिया होती है, पुण्य की भी पूरी दुनिया होती है, इसका उनको ज्ञान नहीं है। तब बाबा ने बताया वो ये भी मानते हैं कि दुख सुख शुरू से चले आ रहे हैं, पाप पुण्य शुरू से चले आ रहे हैं। बाबा कहते हैं इसका मतलब तो हुआ कि पुण्य की दुनिया है ही नहीं। इसलिए बाबा ने बताया है कि दुख का कारण पतितपना है, और पतितपने को पावन बनने से सुख हो जाता है। तो ये बेसिक बात है, हम रिजल्ट देख रहे हैं, उसके कारण को नहीं देखते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मुझे पतित पावन कह के पुकारते हैं कि मैं तुमको पात्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाता हूँ, वहाँ पावन ही पावन होते हैं। दूसरी बात यह है कि पतित और पावन इकट्ठे नहीं रहते। पहले बाबा ने कहा मैं तुमको ज्ञान अंजन देता हूँ, अर्थात तुमको समझ देता हूँ कि पाप की दुनिया अलग है, पुण्य की अलग है। तो माया हमारी आंखों में धूल डालती है, जो और भी ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और बाबा हमारी आंखों में ज्ञान अंजन डालता है। और ये भी बात जो गलतफहमी है लोगों की कि
पतित पना परंपरा से चला आया है, बाबा इसको भी करेक्ट करते हैं। देवताओं तो पावन थे ना, तब तो पूजे जाते हैं। कहा जाता है संपूर्ण निर्वकारी, और इसीलिए इस दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं था, सर्वदा सुखी सुख था। फिर बाबा की आज की मुरली में एक विशेष बात आई है, और वो ये बाबा कहते हैं इस दुनिया में किसी को भी हम पिताश्री का टाइटल नहीं दे सकते। पिताश्री माना श्रेष्ठ, पिताओं में श्रेष्ठ। तो बाबा ने आज कहा है श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ बाबा ने इसमें श्री पर महत्व दिया है, श्री श्रेष्ठ को कहते हैं। और क्योंकि इस दुनिया में, पतित दुनिया में कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, और देवता ही श्रेष्ठ है, इसलिए इस दुनिया में किसी को श्रेष्ठ का टाइटल श्री का नहीं दिया सकता। ये तो बाबा ने अपने लिए कहा। हमारी सरकारों ने तो कुछ समय पहले मिस्टर मिसेज नाम यूज़ होता था, अब हर एक के नाम के साथ श्री कर दिया है। कोई भ्रष्टाचारी है वो भी श्री कह के हम उसको पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री के महत्व को हमने डी वैल्यू कर दिया। कई लोग संन्यास कर लेते हैं, तो बाबा कहते हैं संन्यास कहते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं है। श्रेष्ठ बनना है तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, संसार में रहते हुए श्रेष्ठ बनना है। बाबा ने अपने लिए कहा कि मुझको पिताश्री कहते हैं, यद्यपि इस दुनिया में किसी को श्री नहीं कह सकते, इसलिए कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ बनने के पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पिताश्री कहते हैं। एक समय था जो सारे ही श्रेष्ठ थे, सत्युग था, जिसको बाबा ने आगे चल के कहा है कि जो कहते हैं कि भाई मूत पलीती कपड़ धोए, बाबा कहते हैं सत्युग की दुनिया में सब श्रेष्ठ थे। वहाँ पर तो ऐसा कोई था ही नहीं जिनमें पतितपन ना हो या श्रेष्ठ के विपरीत कोई चाल चलन हो। वहाँ सब कंचन दुनिया थी, और आत्मा भी कंचन थी तो संसार भी कंचन था। अब देखिए, जब शब्द आता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठाचारी। आज हम खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, कई तो ये कह देते हैं हम सब चोर हैं, वो ओवरऑल ही कह देते हैं कि भ्रष्टाचारी दुनिया में। फुल्ली श्रेष्ठाचारी तो कोई हो ही नहीं सकता। पहली बात तो आज की दुनिया में जो जन्म है मनुष्य का, वो किस कितने गंदे तरीके से होता है। देखा जाए तो किसी हीरे को आप बहुत गंदगी में डाल दो, फिर उसको निकालो, तो कितना घिनौनी बात लगती है। तो देवताओं का जन्म, देवी देवताओं का स्वर्ग में काम विकार से थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी तो जन्म से ही हो गए, तो शरीर तो हमें भ्रष्ट मिलता ही है, अब रह गई आत्मा। तो बाबा कहते हैं आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, विकारों से मुक्त करने की, क्योंकि सद्युग में विकार होते ही नहीं, तो शरीर भी श्रेष्ठ और आत्मा भी श्रेष्ठ। उस दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है, इस दुनिया को भ्रष्टाचारी। आचरण से ही श्रेष्ठ और भ्रष्ट है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज बाबा ने रेज की है कि बच्चे तुमको पूछना चाहिए, और वो भी फॉर्म भरवा करके, कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब वो लिखने बैठते हैं कि ये हमारा संबंध है, पिता है, तो फिर पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं कि एक तरफ सब लोग परमात्मा को परम पिता कहते हैं, सुप्रीम फादर कहते हैं, सुप्रीम गॉड फादर कहते हैं, और उनको ऊंचे से ऊंचा कहते हैं। आत्माओं में महात्मा, महात्माओं के बाद देवात्मा, वो भी अनेक होते हैं, लेकिन परमात्मा एक तरफ ये कहते हैं, और परम पिता परमात्मा। शारीरिक पिता को पिता कहते हैं, धर्म स्थापक को धर्म पिता कहते हैं, लेकिन परम पिता और दूसरे उसको सब जगह कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बात भी उनके मन में ऐसे घुस गई है, पता नहीं किसने ये भ्रम डाल दिया है कि परमात्मा सब जगह है। बोलने वाला भी फिर तो परमात्मा हो गया, परमात्मा सब जगह, तो ये भी नहीं बोलेगा परमात्मा सब जगह, फिर तो ये बोलेगा मैं सब जगह हूँ। इसलिए बाबा कहता है इसको कट करने के लिए, उनकी बुद्धि में अच्छी तरह बिठाने के लिए भ्रांति है, उनसे सीधा ये प्रश्न पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। ठीक है, अब संबंध जब बात आएगी तो पिता का संबंध आएगा, वो भी परम पिता का। फिर पूछो कि अगर परम पिता है तो सब जगह कैसे हो सकता है,
पिता और बच्चा तो अलग ही होता है ना, रचता और रचना। तो बाबा ने कहा ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है पूछना, इससे उनकी बुद्धि क्लियर होती है। फिर बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के लिए भी कहा है, और इसमें बाबा ने पोतरे पोतरियों के संबंध को लाया है, दादे और वर्से के संबंध को लाया है। तो ये राज थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे कि किस हिसाब से हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे किस हिसाब से हैं, और शिव बाबा हमारा दादा कैसे हैं। यानी दुनिया में जितने भी आस्तिक लोग हैं, जितने भी ज़्यादातर जनता है, सब मानते हैं एक परम पिता परमात्मा है और वो एक है, वो निराकार है ये भी मानते हैं। अब इस साकार लोक में जिसमें शरीरधारी हैं, इसके भी आदिकर्ता को वो मानते हैं शरीरधारी पिता, यानी जिसको वो कहते हैं ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, बाबा आदम कहते हैं या एडम कहते हैं, भारत में ब्रह्मा जी कहते हैं। तो साकार रूप में भी तो जो मनुष्य सृष्टि है उसका एक पिता है, उसको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा दो हो गए। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं जब सृष्टि पर आता हूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा को पहले अडॉप्ट करता हूँ अपनी संतान, क्योंकि परमात्मा की शारीरिक संतान तो हो ही नहीं सकती, उसका शरीर ही नहीं। फिर ब्रह्मा के द्वारा अन्य आत्माओं को अडॉप्ट करता हूँ। तो जैसे ब्रह्मा माँ हो गई, निराकार परमात्मा पिता हो गए, और बाकी उनके चिल्ड्रन हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, दादे के तो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए ना। इसलिए बाबा कहता है कि तुम ग्रैंड चिल्ड्रन हो साकार रूप में, इसलिए तुमको ग्रैंड फादर का इनहेरिटेंस मिलता है। और परमात्मा का इनहेरिटेंस क्या है? सुख और शांति, संतुष्टि, पावन, पवित्रता, वो तुमको मिलता है, इस रिलेशन से ही मिल सकता है। बाबा ने याद कराया कि बच्चे अब तो माँ एकम याद करो, विनाश समीप है, तुमको अपने विकर्म विनाश करने हैं और मेरे साथ वापस चलना है। अगर चलना है तो मेरी एक शर्त है कि तुम किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि आत्मा ने जाना है। तो जो व्यक्ति जाने की पूरी तैयारी करेगा, उसको पता है कि मुझे तो अपनी भी देह छोड़नी है, मेरी अपना शरीर ही नहीं साथ जा सकता तो अन्य शरीर कैसे जाएंगे। इसलिए ना तो अपनी देह को याद करो, ना अन्य देहधारियों को याद करो, क्योंकि देह से छूटना ही तो मुक्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं मेन बात है कि अपनी देह को भूलो, अशरीरी आत्मा समझो, अगर मेरे साथ जाना है तो फिर ज़रूर चलोगे। कई विरोधाभासी बातें हम लोग बोलते आए हैं, जिसमें आज एक विरोधाभास का बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। एक तरफ कहते हैं कि वो पतित पावन है, और दूसरी ओर फिर कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है, तो इसका तो अर्थ ही नहीं निकला। अब वो पावन है जो सर्वव्यापी है, या पतित है वो सर्वव्यापी है, तो विरोधाभास है। क्योंकि सर्वव्यापी में तो सब कुछ आ जाता है, इसलिए कोई कहे भगवान पतित भी है पावन भी है, पतित भी भगवान ही बनाता है, पावन ही भगवान बनाता बल्कि बनता है, तो कितना कन्फ्यूज़न है। इसलिए उस ऊँचे से ऊँचे परमात्मा को, जिससे देवताएं भी भिन्न है, देवात्माएं भिन्न हैं, फिर महान आत्माएं भिन्न हैं, साधारण आत्माएं भिन्न हैं, पाप आत्माएं भिन्न हैं, उसको सब में मिक्स करना, घोटाला करना, अर्थात परमात्मा का नाम ही गुम कर देना। नहीं, वो एक हो सकता है, या पतित पावन हो सकता है, या सर्वव्यापी हो सकता है, दोनों तो वही नहीं है हो ना सकता। इसलिए हाँ। फिर बाबा ने कहा है तुमको नशा चढ़ना चाहिए, तुम किसके सामने बैठे हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो हैं, लेकिन उसका भी पिता परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो तुमको इसके द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा सत्संग तुमने कभी देखा? क्योंकि पढ़ाने वाले मास्टर जी तो ब्रह्मा बाबा हैं, लेकिन मास्टर जी भी कौन सी किसकी विद्या पढ़ाते हैं? दुनिया के अंदर भी जो स्कूल टीचर होता है वो किसी ना किसी की बुक, किसी ऑथर की किताब पढ़ाता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो ब्रह्मा बाबा खुद को तो नहीं कि खुद ही परम पिता है, वो ज्ञान का सागर है, उसके द्वारा और लोग शास्त्र ज्ञान देते हैं,
ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा कहते हैं मैं स्वयं आके ईश्वरी ज्ञान सुनाता हूँ और तुम भी उसी रूप से बैठते हो, शरीर तुम्हारा ये है लेकिन ज्ञान सुनने वाली आत्मा है। तो परमात्मा परम पिता सन्मुख आत्माओं को पढ़ाए अवतरित होकर, ऐसा कोई विश्वविद्यालय तो दुनिया में है ही नहीं। और इससे कंटिन्यू करके बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा के मुख से रतन निकलते हैं, तो तुम बच्चों के मुख से भी सदा रतन निकलने चाहिए। फालतू शैतानी बातें नहीं करना चाहिए, और शैतानी बातें करके अपने दिल को तो दुखाते ही हो, साथ साथ दूसरे के दिल को जो दुखाते हो उसका शेयर भी मिल जाता है। आप देखिए, जो हम कानों से सुनते हैं वही मुख से निकलता है। तो जब हम कानों से ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा सुन रहे हैं, जिनको ज्ञान रतन कहा जाता है, और ये भक्ति में भी गाते आए हैं, पायो रे मैंने ज्ञान रतन धन पायो, सबसे बड़ा धन है ईश्वरीय ज्ञान, वो जो हम सुन रहे हैं हमारे मुँह से निकलना चाहिए। अगर हम ईवल सुनते हैं तो मुख से ईवल निकलेगा, कहा जाता ना इसलिए हियर नो ईवल। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मुख से ज्ञान रत्न तब निकलेंगे अगर तुम केवल ज्ञान रत्नों को धारण करोगे, हंस की तरह कंकर को नहीं उठाओगे। तो दुनिया के अंदर तो शैतानी की बातें, अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें हैं, खराब बातें हैं, तो उसको मत सुनो। बाबा हम बच्चों पर कितना उपकार करते हैं, कहते तुमने मेरे ऊपर कितना अपकार किया, लेकिन मैं तुम पर उपकार करता हूँ। कैसे बाबा कहते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये भी ड्रामा की नून थी, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया, ड्रामा की नून थी, इसीलिए अब मैं आता हूँ, जिसका प्रॉमिस श्रीमद् भगवद गीता में निहित है, यदा यदा धर्मस्य, और आकर के तुम बच्चों को समझाता हूँ। अब देखिए, हमको भी बाबा ने शिक्षा दी हुई है, अपकारियों पर भी उपकार करो। बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। तो बाबा कहता, खुद मुझे देख लो, तुमने मुझे कितनी गालियाँ दी, कितनी गिलानी की, मुझे पत्थर में, ठिकर में, कण कण में, कूड़े में, क्रिकेट में, हर चीज़ में मिला दिया, ये भगवान सांप में भी तुम हो, बिच्छू में भी तुम हो। तो बाबा कहता, फिर भी मैं जानता हूँ कि तुमने अज्ञानवश ऐसा किया है, ड्रामा में ये भूल होनी थी, फिर भी तुम्हारा इतना मेरे बारे में कहने के बावजूद भी मैं तुम्हारा कल्याण करता हूँ, तुम्हारे पर तरस करता हूँ, तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। इसी प्रकार से तुमको भी करना चाहिए। ड्रामा मानकर कोई भूल कर रहा है तो ड्रामा में उसकी भूल है, ऐसे नहीं कि हम उसको ज्ञान देने से, उसको स्नेह देने से वंचित कर दें। बाबा कहते हैं कि निंदा करना छोड़ दो, निंदा करते करते तुम्हारा ये हाल हुआ है, और सर्विस करनी है तो अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी होंगे, राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा, कमी होगी तो बोल नहीं सकेंगे, लज्जा आती रहेगी, पाप खाता रहेगा। पंडित जो होता है दूसरे को ज्ञान देता है, जैसे कई लोग हमारे प्रदर्शनियों में आते हैं, सेंटर में आते हैं, तो क्या कहते हैं, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, ये नहीं कहते कि मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी आके उसको धारण करूं। इसको कहा जाता है कोरी पंडिताई, एडवाइस देना, अच्छी बातों का वर्णन करना लेकिन उसको धारण नहीं करना। तो जो व्यक्ति अंदर बाहर एक नहीं होता, उसका विश्वास नहीं होता। पहले वक़्त में हमारे राजनीतिक नेता भी थे, जैसे गांधी जी थे, त्यागी थे, जनता की सेवा करते थे, लोग उनको अपने जेवर भी उतार के दे देते थे कि देश सेवा में लगाओ। आज बात बदल गई है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें भी धारणा करके ज्ञान सुनाना है। वरदान है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली, स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा
अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ये थी बाबा की आज 9 दिसंबर 2017 की मुरली। बाबा ने ज्ञान के विभिन्न पक्षों को समझाते हुए हम बच्चों को जो मूल शिक्षा दी है वो ये कि बच्चे सेवा करनी है तो अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध बनाओ। वृत्ति शुद्ध होगी तो ज्ञान का वर्णन भी अच्छा कर सकेंगे। ओम शांति।